इस बात को इतना दिल पर मत लो बेटा, हार जीत तो लगी रहती है। जाओ, तुम थोड़ी देर जाकर आराम करो। नहीं, वो रसोड़ी में जाके रात के खाने की तैयारी करनी है। कंग्रेचुलेशन राशि जी। थैंक यू। तो बताइए, हम अपनी डेट के लिए कहाँ जा रहे हैं? कैसी डेट? अरे वो 5 मिनट पहले तो तुमने हाँ कहा था। अच्छा हाँ, वो एक बात कहो राशि, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम साथ साथ होंगे। हाँ, लेकिन अगर हम कोई क्लासी जगह पे जाएंगे तो ही मैं चलूंगी, वरना मुझे नहीं आना। ठीक है, जहाँ तुम कहोगी हम वहीं चलेंगे। ठीक है, मुझे आज रात के डिनर के लिए सबसे पहले तैयारी करनी है, तो किचन में जाना है। वो कागज फिर से काम। क्या कहा? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। किंजल जी, आप आ गए। कैसा रहा आप लोगों का मोदी भवन में? मजा आया? और फई कहीं दिखाई नहीं दे रही, आई नहीं क्या? आ रही है, वो बाहर किसी से बात कर रही है। अच्छा, वैसे किंजल जी आप थोड़ा परेशान नजर आ रही हैं, सब ठीक तो है ना? परेशान ना हो तो क्या करूं धवल जी, एक तो अच्छा भला कंपटीशन में हिस्सा लिया था और आपको पता है हम जीत भी सकते थे, लेकिन फई न जाने उनका दिमाग कहाँ अटका हुआ था और कंपटीशन के दौरान वो और राशि न जाने कहाँ कहाँ मंडरा रहे थे। अरे जब कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना था मुझे पहले कह देती, कम से कम मुझे नीचा तो नहीं देखना पड़ता। अरे हारी गया तो शू थाई गयू, इज्जत थोड़ी कम हो गई है। वैसे भी तेरी माँ भी हार गई है तो क्या उनकी इज्जत भी कम हो गई? हाँ? प्लीज भाई, पहली बात के इन बातों के बीच में आप मेरी मम्मी का नाम मत लीजिए। और दूसरी बात, मैंने क्या गलत कहा? आपने कंपटीशन में जरा भी दिलचस्पी दिखाई? अरे तमे लोगों पर इन छोटी मोटी मौज मजा मस्ती को इतना बड़ा नाम दे देते हो, क्या कहते हो वो कॉम्पिटिशन? वही कॉम्पिटिशन। हाँ हाँ, जो भी है। अरे फई, नया मोबाइल अच्छा है ना? क्या सभी प्रतियोगियों को मिला है क्या? अरे नहीं नहीं धवल जी, ये प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की वजह से मोबाइल नहीं मिला, बल्कि राशि और हितल काकी फर्स्ट आए तो जो राशि को प्राइज मिला था ना उसने वो फई को गिफ्ट कर दिया। ओह। और वैसे भी मुझे तो लगता है इन माँ बेटी के बीच में पहले से कोई फिक्सिंग थी। हाँ? ये क्या नाम शना बके जा रही है? इसलिए ना फई, आप बार बार इधर से उधर उधर से इधर, आप ये सब राशि को जिताने के लिए कर रही थी ना? अरे एक सेकंड फई, किंजल जी रहने दीजिए ना, अब वो जो प्रतियोगिता होनी थी हो गई, खत्म हो गई। आप लोग घर आए, आराम से आराम कीजिए, चाय वाय पीजिए। नहीं ठीक कह रहा है धवल, वैसे भी फालतू की बातों में मगज खराब करने से अच्छा है कि अब कुछ काम धाम भी कर ले। अखा दिवस बहुत मजा मस्ती कर ली, अब थोड़ा काम पे भी तो ध्यान लगा। ए? ऐसे क्या देख रही है? घर की साफ सफाई तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? आप ये सब मत सोचिए फिर, और वैसे भी मैं पहले ही सब कुछ तय कर चुकी हूँ। किंजल जी, फिर आप भी ना।
क्यों बात को दिल से लगाती है? जाने देना कोकिला, ये तो औरतों की घरेलू प्रतियोगिता थी और इसमें हार जीत तो चलती रहती है। आपके लिए भले ही एक प्रतियोगिता हो, लेकिन मेरे लिए एक चुनौती थी जिसे जीतना मेरे लिए बहुत जरूरी था। सविता बेन कैसे चहक रही थी, मेरी हार को देखकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन आप प्रतियोगिता और उसे जीतने की अहमियत आप क्या जाने? कोकिला, इससे पहले जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई हैं, तुम ही तो जीती हो, और इस बार अगर हेतल भाभी और राशि जीत भी गए तो क्या हुआ? और वैसे भी जीत तो मोदी परिवार की हुई ना। हेम के पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको कैसे समझाऊं कि मोटा भाभी की जीत से मैं दुखी नहीं हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग जीते कैसे। ये सारा किया धरा राशि का ही है, ये माँ बेटी ने मिलकर जरूर कोई खिचड़ी पकाई है। इन दोनों ने भी ऐसा कुछ किया है कि सीढ़ी बदल गई, वरना गलत सीढ़ी कैसे बच सकती है? अरे उर्मी बहन और राशि भला ये सब क्यों करेंगे? आप नहीं जानते, ये माँ बेटी मिलकर कुछ भी कर सकती है। अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ और बैठो। गोपी वो को तो पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। घर के कामों में जो माहिर थी, बस उसमें भी गलतियां, आज प्रतियोगिता में भी गलतियां। आज गोपी वो की बेध्यानी की वजह से ही उर्मिला बेन और राशि अपने इरादे में कामयाब हो गई। कोकिला, अगर सीटी बदल भी गई तो इसमें गोपी वो की क्या गलती? गलती है, सीढ़ी गोपी वह की जिम्मेदारी थी। अगर वो जरा सी भी चौकन्नी होती ना, आज ये सब कुछ नहीं होता। पढ़ना है ना उसे। जी, मैंने तुअर की दाल बनाने को कहा है, वो तड़के वाली बिल्कुल वैसी है जैसी आपको पसंद है। तो चंपा चापली, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या खाना बनाना है? तुअर की दाल नहीं बल्कि कढ़ी बनेगी। और हाँ, सब्जी के लिए आलू काट कर दो, सब्जी भी मैं ही बनाऊंगी। जाओ। माँ जी देखिए, आप ये सब रहने दीजिए ना, आप थक गई होगी, आप मैं कर लूंगी, आप आराम करिए। चंपा चापली, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? मैंने क्या कहा तुमसे? आलू काटो, और हाँ, तुअर की दाल भी थोड़ी भिगा देना, लेकिन दाल मैं ही बनाऊंगी। माँ जी, और हाँ, एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, आज के बाद बल्कि अभी से रसोई के काम में या घर के किसी भी काम के लिए गोपी वहू को परेशान न किया जाए। गोपी वहू की सारी जिम्मेदारियां अब मैं उठाऊंगी। गोपी वहू का मन वैसे भी पढ़ाई में है, मन ध्यान उसी में लगा रहता है, तो कोई भी काम सौंपना फिजूल है। माजी, बस गोपी वो। इसके आगे मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती हूं, खास करके उसका ताल्लुक अगर पढ़ाई से ना हो तो। माजी,
देखिए मैं को पीवाओ। तुम विद्यालय जाना चाहती हो ना, तो अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई में रखो। आज के बाद तुम रसोई घर में नहीं आओगी। माँ जी, मैंने कहा ना, गोपीवाओ, मैं इंतजार कर रही हूं कि तुम यहां से जाओ, ताकि रसोड़े का जो काम है उस पर मैं ध्यान दे सकूं। अने बीजी बात, अगर मुझे रसोड़े में किसी की मदद की जरूरत होगी ना, तो मैं राशि से कहूंगी। माँ जी। हाँ गोपीवाओ, भले ही वो सारे कामों में गलतियां क्यों ना करती हो, लेकिन अगर वो ठान लेती है कि मुझे ये काम करना है, उस काम में वो अपना पूरा ध्यान लगा देती है। माँ जी जाओ।